अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान रखे और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमेशा की तरह मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं आपको नहायत ही आसान, सादा और कम कीमत में बनने वाला नुस्खा आपको बताने वाला हूँ। उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक सफ़ेद ज़ीरा, दूसरा दूध। सफ़ेद ज़ीरा की उसाव के बारे में बताऊँगा कि ये बहुत ही कम कीमत में मिलता है और बहुत अच्छे फवाइद का हामिल होता है। सबसे पहले नंबर एक, सफ़ेद ज़ीरा फेफड़ों को साफ करता है और मैदे की तकवीत देता है, मैदे की तमाम बीमारी को ठीक करता है और अंदरूनी तमाम वर्मों को तहलील करता है, ठीक करता है। औरतों के लिए ये एक नादर नुस्खा है। जो औरतें, माएँ बहनें हमारी बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके लिए बहुत मुफीद नुस्खा है। इनके जिन बच्चों को माँ का दूध मुयसर कम होता है, माँ के दूध को बढ़ाने के लिए ये ज़ीरा खाएं तो दूध ज़्यादा हो जाता है। उसका तरीकाकार यह है कि ज़ीरे सफ़ेद को पीस के रख लें पास और एक चम्मच दूध में मिलाकर हर दो घंटे बाद उस माँ को पिलाया जाए जो बच्चे को दूध देती हैं, और ये वफ़र मकदार में पैदा हो जाता है। इस ज़ीरे के और भी ख़ास हैं। जिन लोगों के हाथों और पाँव की तलियों में जलन होती है, उनको नींद नहीं आती, उनके लिए भी ये एक बहुत मुफीद नुस्खा है। रात को एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का एक कप दूध में भिगो के रख दें। सुबह उठ के इसको मल छान के इसमें एक सेब का शामिल करके इनका मिल्क शेक बना के सुबह शाम पिलाएं तो इनकी ये कैफियत, जल हाथों की जलन और पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी और इनको पुरसकून नींद आएगी। जो हज़रात पेशाब की जलन और पेशाब में जर्दी माइल की शिकायत करते हैं, चाहे वो शुगर के मरीज़ हों, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, सब की तकलीफ़ को दूर कर दिया है। इसका तरीकाकार ये है कि इसको पानी के अंदर, पानी के साथ खाएं, एक चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और कुछ कोण पानी के पिए हर दो घंटे बाद, तो उनकी जलन और पाँव की जलन, पैरों की जलन, पेशाब का दर्द आना सब नॉर्मल हो जाता है। गर्मी की वजह से, जिस्मानी गर्मी की वजह से जिन हजरात की मनी पतली हो जाती है, उसको गाढ़ा करने के लिए सफ़ेद ज़ीरा बहुत मौसर किरदार अदा करता है। इसके लिए भी रात को एक चम्मच छोटी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरे की दूध में भिगो के रख दें और सुबह उठ के इसको पिला दें। ये एक हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मनी पतली जो होगी वो गाढ़ी हो जाएगी और उसकी जुमला जो अलामात हैं, जलना, जलन और हाथों की जलन और पाँव की जलन, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें, दोस्तों से शेयर करें, रिश्तेदारों से शेयर करें और बुज़ुर्गों का एहतराम करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह सांसों ने वफा की तो ज़रूर नई वीडियो को लेकर जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें अपने रहम करम में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।